ये बड़ा कॉमन एग्जांपल है और ये आना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक यू इज इक्वल टू जीरो रिलीज किया, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ब्लॉक स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। कितनी वेलोसिटी से नीचे आया? वी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जी साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? अब सेकंड केस वो कह रहा है फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन है ब्लॉक को फिर रिलीज किया यू इक्वल टू जीरो, तो वो नीचे आया विद अ वेलोसिटी ऑफ वी बाय एन, वी की जगह क्या कर लिया? वी बाय एन। कोई डाउट इसमें? तो वेलोसिटी वी थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई? ये क्वेश्चन में गिवन है, वी अपॉन एन गिवन है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू क्या है इसका। तो मुझे ये बताओ कि जब ये फ्रिक्शन नहीं है तो कितनी एक्सेलेरेशन से ब्लॉक नीचे आता है? जी साइन थीटा, याद है फोर्स का चैप्टर किया था, तो एम जी साइन थीटा को एम से डिवाइड किया तो जी साइन थीटा, क्लियर है। पर जब यहां फ्रिक्शन है तो ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा एम जी साइन थीटा, और पीछे अपोजिंग फोर्स क्या होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? एम जी कॉस थीटा। अब एक्सेलेरेशन क्या होगी? नीचे की फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस ऊपर की फोर्स म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलेरेशन। क्लियर है यहां तक? तो जब इंक्लाइन प्लेन गिवन हो और फ्रिक्शन गिवन हो तो एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगी? नीचे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास 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 कैंसिल, तो किसकी वैल्यू आ गई? एक्सेलेरेशन। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है? एक्सेलेरेशन आ गई। तो अब एक काम करेंगे इसमें, बिना फ्रिक्शन के डिस्टेंस एस है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू इंटू एक्सेलेरेशन क्या है बिना फ्रिक्शन के? जी साइन थीटा इंटू एस। क्लियर है? और फ्रिक्शन के साथ जब सेम इक्वेशन बनेगी तो वेलोसिटी फाइनल कितनी है? वी बाई एन। इनिशियल क्या है? जीरो। एक्सेलेरेशन में निकाल ली इंटू एस। तो दो इक्वेशन क्लियर है, इनको सॉल्व करके आपको म्यू निकालना है। तो अब इसके बाद सॉल्व करने का तरीका, इसे और इसे डिवाइड कर दो ताकि एस और एस कैंसल और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल। तो आप जब डिवाइड करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके म्यू की ये वैल्यू आएगी। ये आपने करके देखना है सिंप्लीफाई, बट पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां तक फिजिक्स है, इसके बाद ये मैथ्स है, हाउ टू कैलकुलेट म्यू। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम मिलेगी आपको ऑब्जेक्टिव शीट्स में, पर कैसे कैलकुलेट करना है जब आप इसे रिवाइज करेंगे, प्लीज साथ साथ प्रैक्टिस करके इसकी म्यू की वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है यहां तक? बाय एन, जैसे अभी वेलोसिटी वी है, फिर वी बाय टू होगी, वी बाय थ्री होगी, हाँ एन इज अ फ्रैक्शन, हाँ कम हो जाएगी ना वेलोसिटी। बिना फ्रिक्शन के बॉडी तेज नीचे आएगी और फ्रिक्शन के साथ थोड़ी स्लो नीचे आएगी। ठीक है यहां तक? आपको ऑब्जेक्टिव शीट मिली होंगी आज प्रैक्टिस करने के लिए, शीट नंबर 18 है शायद, 18 नंबर। तो इसके दो क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, बाकी आपका होमवर्क होगा, क्योंकि दो क्वेश्चन में डाउट आ सकते हैं आपको पहले दो में, बाकी फिर भी हो सकता है आप ट्राई करें। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन गिवन नहीं है, नहीं गिवन तो नहीं लेनी। तो आपको यहाँ पर एक मास 500 g पता है, 100 g पता है और 50 g पता है। आपको सिस्टम की एक्सेलेरेशन निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? ये 500 g है, ये 50 g है, और ये 100 g इसका वेट है, तो 100 g साइन 30 नीचे की फोर्स है। टेंशन पहली रस्सी में t' और दूसरी में TNT, क्योंकि दो रोप्स हैं, दो टेंशन है। क्लियर है? तो डायग्राम बन जाएगा ये वाला, घर प्रैक्टिस करनी है आपने, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। तो इसमें ये ब्लॉक मान लो ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, जो नीचे आ रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी? 500 g माइनस t इज इक्वल टू 500 इंटू ए बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन।
ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो कौन ऊपर लेके जा रहा है, टी, और अपोजिंग फोर्स कौन है, टी डैश एन 100 जी, तो क्या बनेगी टी माइनस टी डैश प्लस 100 जी साइन 30 इज इक्वल टू 100 इंटू ए, बन गई क्वेश्चन। और ये ब्लॉक ऊपर आ रहा है तो टी डैश माइनस 50 जी इज 50 ए, बना लोगे इक्वेशन। तो ये आपने ट्राई करना है और इसकी ट्राई करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, ये होमवर्क है आपका, राइट। जो सेकंड क्वेश्चन है, एन एलिवेटर एंड इट्स लोड, एलिवेटर एक लिफ्ट है और अंदर लोग भी हैं, तो टोटल वेट 800 kg है। तो एक लिफ्ट की रस्सी है, 800 kg का मतलब 800 g वेट है, 800 g वेट है, ठीक। द एलिवेटर इज ऑरिजिनली मूविंग डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 m/s, ये लिफ्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है 10, इट स्लोज डाउन टू स्टॉप। अब स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, तो आप यानी कि लिफ्ट अब क्या करेगी, रिटार्ड करेगी। आपको बताना है कि यहाँ पर टेंशन जो है वो कितनी है। अब क्योंकि लिफ्ट जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, रिटार्डेशन मुझे निकालनी है और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 25 m गिवन है, 25 m वो में वो स्टॉप करेगी। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकलेगी, रिटार्डेशन, स्लो डाउन हो रहा है, रिटार्डेशन, क्लियर है। तो लिफ्ट के लिए v² - u² 2a, ऐसे a आ गया। फिर आपने इसमें t निकालना है, क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रही है तो 800 g - t इज 800 × a, और a यहाँ पर क्या है, -2, सॉल्व करके t निकालना। एट हंड्रेड जी न्यूटन ही होता है, 800, हाँ तो 800 g पुट करो ना, g को 10 पुट करोगे, हाँ 800 kg को मास को g से मल्टीप्लाई करो, वेट बन जाता है ना, नहीं नहीं ग्राम नहीं है ये, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हाँ मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स है। तो इसका अगर किसी बॉडी का वेट 8 kg है तो 8 g वेट है, 800 kg है तो 800 g वेट है, g से मल्टीप्लाई कर देना मास को, तो इंटू जी 8000 न्यूटन है, बिल्कुल सही है, 800 kg का 8000 न्यूटन फोर्स लगती है,